हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका आप सबके अपने यूट्यूब चैनल कलसी आर्ट से। मैं कहूँ नदीप सिंह। तो गाइस, आज की वीडियो हम ड्रॉ करेंगे महादेव जी की ड्राइंग। ये हमारी ड्राइंग का थर्ड पार्ट है। अगर आपने पहले के दो पार्ट नहीं देखे हैं कोई बात नहीं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया। ये वाले पार्ट हैं, हमने थंबनेल देख लिया। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। और उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि जो मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। चलिए वीडियो करते हैं शुरू। देखिए गाइस, हमने पहले के दो पार्ट में हेयर्स और जो फेस का ट्यूटोरियल, फर्स्ट पार्ट में हमने फेस का ट्यूटोरियल किया था और सेकंड पार्ट में हेयर्स वगैरह ड्रॉ किए थे हमने। तो थर्ड पार्ट में जो भी बाकी के एरिया हमारा छूट गया है वो हम ड्रॉ करेंगे। तो ज़्यादा इसमें आपको कुछ करना नहीं है, सेम आपको सॉफ्ट शार्प पेंसिल का ही मैक्सिमम यहाँ पर यूज़ करना है। जहाँ भी आपको हाईलाइट्स छोड़ने हैं वहाँ पर आप मीडियम पेंसिल साइज की चारकोल पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा लाइट होती है ना वो। और आपको डार्केस्ट एरिया जो कवर करने हैं वो थोड़े से प्रेशर से करने पड़ेंगे। बाकी वीडियो मैंने काफ़ी फास्ट रखी है पर फिर भी देख सकते हैं वीडियो थोड़ी लंबी बन गई है, मैं चाहता नहीं कि इतनी लंबी बन जाए। आपको ब्रश का भी यूज़ करना है और जहाँ जहाँ आप थोड़े बहुत छोटे छोटे एरिया हैं वहाँ पर आप ब्रांडेड स्टंप का भी यूज़ कर सकते हैं। ये तो मैं आपको हर एक वीडियो में कहता हूँ। बाकी जो भी मैं मान लीजिए मैं जो भी स्किन या फिर कुछ भी टोन वो कोई भी मैं एरिया शेड कर रहा हूँ, मैक्सिमम मैं सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का ही यूज़ कर रहा हूँ। मीडियम साइज की जो चारकोल पेंसिल है उसका कम ही यूज़ करता हूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा लाइटली यूज़ करता हूँ। देखिए लगभग हमने अगर स्किन टोन बना रहे हैं तो मैंने ज़्यादा नहीं, यहाँ पर मैंने देखिए सबसे पहले एक सॉफ्ट चारकोल पेंसिल से सेम लाइट लेयर बनाई थी, देन फिर उसके ऊपर एक ऑल लेयर बनाई, उसे ब्लेंड स्टंप से ब्लेंड किया और थर्ड लेयर हमने बस डार्क से ये जो उसे कवर किया। ज़्यादा इसमें जो स्किन टोन होती है चारकोल से बहुत ही जल्दी बन जाती है, दो तीन बार ही आपको लेयर्स बनानी पड़ती है। ऐसा नहीं कि ग्रेफाइट की तरह आपको 6-7 लेयर्स बनानी पड़ेंगी, उसमें होता ना कि पहले आप लाइट बनाएंगे फिर डार्क 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 कहीं तब कहीं जाकर आपकी जो स्किन टोन है वो कंप्लीट होती है। पर चारकोल में ऐसा नहीं होता, चारकोल में आप एक दो बार में कवर कर लेते हैं। बाकी जो मैंने पहले के दो पार्ट बनाए हैं अगर आप उसमें भी कोई दिक्कत है तो कोई बात नहीं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर आपने अभी नहीं देखे तो जाकर देख लेना, मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से उसमें भी समझाया है आपको स्किन टोन कैसे बनाने चारकोल से। हेयर्स में जो हाइलाइट्स हैं मोस्टली जो हमारे बिगिनर्स फ्रेंड्स हैं वो मोस्टली क्या करते हैं, हेयर्स में जो हाइलाइट्स हैं वो अच्छे तरीके से नहीं छोड़ते या फिर अच्छे तरीके से नहीं ड्रॉ करते तो वो एक अच्छी लुक नहीं लेता था। तो आप अपनी ड्राइंग को अगर इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ज़रूर मेरी वीडियोस आप देख सकते हैं। वैसे मैं भी कोई बड़ा प्रोफेशनल नहीं हूँ बट फिर भी वैसे मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था इस ड्राइंग में, दो पार्ट में मैंने बनाया। ये वाला पार्ट मैंने दो बार बनाया, मतलब एक जो आधी वीडियो मैंने एक दिन बनाई थी और आधी वीडियो किसी और दिन बनाई थी, टाइम नहीं लगता ना कॉलेज की वजह से। बाकी आपको टोन्स का अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, लाइट टू डार्क या डार्क टू लाइट, जो भी आप एरिया कवर कर रहे हैं उसमें जो भी हाइलाइट्स हैं वो अच्छे तरीके से छोड़ देना, पहले छोड़ देना। क्योंकि चारकोल में अगर आप बाद में हाइलाइट्स बनाना चाहते हैं जैसे हम ग्रेफाइट में बना लेते हैं ना मोनो इरेजर का यूज़ करके या फिर किसी नीडे वाले इरेजर का यूज़ कर कर, तो थोड़ा बहुत हम वो कवर कर लेते हैं हाइलाइट्स अगर हमसे नहीं हुए कवर तो वो कर लेते हैं, थोड़े बहुत हाइलाइट्स बना लेते हैं। पर चारकोल में हाइलाइट्स बाद में नहीं बनते, काफ़ी ज़्यादा डार्क होती है तो उसे इरेज करना ही बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए अगर आप पहले से हाइलाइट्स वगैरह जो भी एरिया वो आप पहले से छोड़ देंगे और बाद में उसे कवर करेंगे थोड़ा बहुत लाइटली प्रेशर से तो वो अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा, वरना तो वो हाइलाइट छोड़ेगा नहीं। वैसे मैंने भी यूट्यूब पर सर्च किया था तब मैं जब मैंने ये वाला ड्राइंग बनाई है यूट्यूब पर मैंने सर्च किया, इस वाली ड्राइंग का कोई ट्यूटोरियल ही निकल रहा था
मैं हैरान हूँ किसी ने मतलब एक दो जानों ने बनाई है ये वाली फ़ोटो, पर किसी ने भी इसका ट्यूटोरियल नहीं बनाया, शॉर्ट्स वीडियोज़ ही हैं बस। तो मैंने सोचा कि नहीं, मुझे बनाना चाहिए। बाकी आपको शेडो का पूरा ध्यान रखना है। ऐसे अगर रेफरेंस फ़ोटो में देखें तो काफ़ी ज़्यादा शेडोज़ हैं, बट मैंने उतनी ज़्यादा कवर नहीं की क्योंकि उसमें जो ड्राइंग है हमारे महादेव जी का स्केच है, पोर्ट्रेट है, वो तो काफ़ी ज़्यादा लाइट बनाया है। थोड़ा सा मैंने डार्क बनाया है, उसमें जो स्किन टोन है और जो हेयर्स की टोन है वो सब सिमिलर ही है क्योंकि बैकग्राउंड ब्लैक है ना। मैंने बैकग्राउंड वैसे ब्लैक ही किया, आपने थंबनेल में देखा होगा, तो मैं उसकी वीडियो नहीं बनाई है। वो तो मैंने वैसे भी बैकग्राउंड का वीडियो बनानी, वो तो ब्लैक ही है ना, तो वो तो चारकोल का यूज़ करके तो कर लेते हैं आप। चारकोल को जो सॉफ्ट चारकोल है उसे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर से अगर आप बनाओगे तो अच्छे तरीके से बैकग्राउंड को कवर कर लेती है। बाकी आप डिपेंड आपकी प्रैक्टिस पर ही करता है, आप कितनी ज़्यादा किसी चीज़ के लिए प्रैक्टिस करते हैं ना। प्रैक्टिस आपको मास्टर बना सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कर लेते हैं, मतलब एक दो बार। मैंने तो प्रैक्टिस की नहीं चारकोल के लिए, मैंने तो फर्स्ट पोर्ट्रेट बनाया और ठीक बन गया मेरे हिसाब से, ठीक है, अच्छा बना है, मतलब इतना भी नहीं कह सकते, भगवान जी का है, अच्छा बना है। बट हाँ इतना है कि जो मैं लुक लेकर आना चाहता था वो अच्छे तरीके से आई नहीं है। बाकी देखिए त्रिशूल में भी काफ़ी ज़्यादा हाइलाइट्स हैं, तो आपको वो भी कवर कर लेने हैं। बाकी आप देख सकते हैं रेफरेंस फोटो के अकॉर्डिंग जो भी हाइलाइट्स हैं वो मैं कवर कर रहा हूँ। डार्केस्ट एरिया है वैसे, चारकोल में आपको कुछ नहीं करना, तो बस आपको पेंसिल के ऊपर कंट्रोल रखना है कि आप कैसे पेंसिल को यूज़ कर सकते हैं। तो पेंसिल को आप अगर अपने कंट्रोल में रखेंगे ना तो अच्छे तरीके से कोई भी एरिया, अच्छे तरीके से कोई भी ड्राइंग आप ड्रॉ कर सकते हैं। बस इतना रखना है कि आप ऐसा ना मत करें कि आप ज़्यादा ही प्रेशर से काम करें या ज़्यादा ही कम प्रेशर से करें। आप मीडियम साइज का रखें, जहाँ पर प्रेशर देने की जरूरत है वहाँ पर प्रेशर देकर पेंसिल का यूज़ करें, और जहाँ पर नहीं है तो वहाँ पर मदद नहीं है। देखिए मैं पहले बेस लेयर बनाता हूँ, देन उसे अच्छे तरीके से ब्लेंड करता हूँ, फिर मैं जो उसके ऊपर जो डार्केस्ट एरिया या लाइट एरिया वो जो मतलब हाइलाइट्स वगैरह छोड़ने हैं या डेप्थ वगैरह का एरिया वो मैं कवर करता हूँ। और पहले आपको एक बेस लेयर बनानी चाहिए। बेस लेयर से ऐसा होता है अगर आप हाइलाइट्स छोड़ रहे हैं तो बेस लेयर से आपको पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पर मैंने हाइलाइट्स छोड़े हैं, और थोड़ा बाद में इसे कवर भी करना है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप डायरेक्टली छोड़ देंगे, अगर आप डायरेक्टली छोड़ ही देंगे तो वो ड्राइंग के बीच में नहीं आता, मतलब अगर हम कहें कि वो ड्राइंग के रूट्स के बीच में नहीं आता। तो आपको देख लेना है कि पहले आपको मतलब कैसे ड्राइंग को ड्रॉ करना है। जैसे यार मुझे ज़्यादा बोलना नहीं आता, बट फिर भी आप समझ ही रहे हैं देखकर, मतलब समझ ही जाएंगे। बाकी चारकोल काफ़ी ज़्यादा हमारे हाथ को लगता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा वो होता है ना, हाथ को टच हो जाता है काफ़ी ज़्यादा, तो मैंने इसलिए नीचे जो है मैंने पेपर रखा है ताकि वो चारकोल है वो मेरे हाथ को ना लगे और हमारी ड्राइंग ख़राब ना हो।
बाकी आप देख सकते हैं कि मेथड सेम ही है, मैंने वैसे यहाँ तक की वीडियो बनाई है। अगर सच कहूँ यार, मैंने वीडियो आगे भी बनाई थी, ड्राइंग की वीडियो तो मैंने आगे भी बनाई थी, मुझसे कट नहीं हुई। वो ऐसा हुआ कि मैंने जब एक बार फोन मतलब स्टैंड से निकाला था, मुझे काम था थोड़ा सा, मैंने एडिट की थी, देन उसके बाद जब मैं दोबारा लगाया मैं वीडियो और मैंने भूल गया और मैंने इधर नीचे से ड्राइंग बना ली, वो वीडियो नहीं बनी। बाकी क्या जो वीडियो वो छूट गया। चलिए कोई बात नहीं, मेथड सेम ही है।